आपको बताएंगे कि आप सैमसंग के मोबाइल में वॉलपेपर कैसे लगाएंगे, वॉलपेपर कैसे सेट करेंगे। तो हमने पहले से अपने गैलरी में वॉलपेपर रखा हुआ है, तो चलिए कैसे सेट करना है, लगाना है, बताते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है अपने मोबाइल के गैलरी में। तो ये रही हमारी गैलरी। तो गैलरी में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो तीन वॉलपेपर है। तो जैसे कि इस वॉलपेपर को अगर हमें लगाना है तो हमें क्या करना है कि ऊपर थ्री डॉट में जाना है, और थ्री डॉट में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है सेट एज वॉलपेपर। तो जैसे हम सेट एज वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देती है, लॉक स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, लॉक एंड होम स्क्रीन। तो हम इसको लगाते हैं लॉक एंड होम स्क्रीन। अगर हमारी स्क्रीन लॉक भी हो तो ये वॉलपेपर लगी हुई होगी। तो इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो वॉलपेपर है हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे लग जाता है, सेट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार अगर हमें इसे लॉक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो कैसे आप देख सकते हैं, तो चलिए अगर हम लॉक करते हैं तो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाएगी। तो फिर से हम आपको बताते हैं इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद करके, देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पे ये वॉलपेपर सेट हो चुकी है, लग चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको सैमसंग के मोबाइल में बताया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।